न्यूज हेडलाइंस पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। देश में 24 घंटे में 58,562 नए संक्रमित मरीज मिले, 87,493 मरीज हुए ठीक, 1537 लोगों ने गवाई जान। ममता बनर्जी के बाद चुनाव हारने वाले चार टीएमसी नेताओं ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका, चुनाव प्रक्रिया में धांधली का लगाया आरोप। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते 4-4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सियासी जंग जारी, निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने बुलाई बैठक। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र की राज्य सरकारों को चेतावनी, बिना जमीनी हकीकत जाने न दें ढील। बीजेपी में आधी रात को जिलों में नियुक्तियां, प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले जिलों की कार्य समिति घोषित, उज्जैन, देवास, शहडोल, नीमच, उमरिया सहित कई जिलों की सूची आधी रात को जारी। मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना, रीवा और उज्जैन में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के 2,33,000 हेल्थ वर्कर्स व फ्रंटलाइनर्स को एक भी डोज नहीं लगी वैक्सीन की, तीसरी लहर में भारी पड़ सकती है लापरवाही। चोराहटा पुलिस ने बनकुइयां में दी दबिश, 1.5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ाई। और जिले में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 1.25 करोड़ के उपकरण खरीदी को मंजूरी, ऑपरेशन में होगी सुविधा।